सभी को नमस्कार। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच जाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। आज की कविता थी यमराज की दिशा। एक नेक्स्ट कविता के साथ मिलते हैं हम अपने चैनल माधवा स्पेशल क्लास पर। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर जो हमारा जो भी वीडियो होता है वो हिंदी से जुड़ा हुआ होता है, या तो उसमें हमारे ब्लॉग्स होते हैं या कुछ भी जानकारी वाली बातें होती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएँ और सबसे पहले जो भी वीडियो पब्लिश हो तो आपको उसका पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।